स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक कहावत बहुत ही ज्यादा फेमस है कि जितना जल्दी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आप कमा पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। और तो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो उतना जल्दी ही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कौन सी मिनिमम एज पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस चीज का सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स क्रॉस कर जाती है, आपके पास एक पैन कार्ड आ जाता है, आपके पास एक बैंक अकाउंट आ जाता है, तब आप यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने माइनर का कांसेप्ट भी एक्सप्लेन किया था कि माइनर्स कैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तब भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पैन कार्ड आएगा वहां पर आपकी फोटो नहीं होगी और इसी के साथ साथ आपका जो सिग्नेचर होगा वो नहीं होगा। तो उस पैन कार्ड पर आपकी बाकी सारी डिटेल होगी, खाली फोटो और सिग्नेचर नहीं होगा। और तो और यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपका डीमैट अकाउंट कहां पर खुलेगा और कैसे खुलेगा। जिस किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है माइनर वाला, तो उस कंपनी के ब्रांच में आपको जाना है और वहां पर फिजिकल फॉर्म सबमिट करना है और यहाँ पर जिस जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और उसके बाद आपका जो डीमैट अकाउंट है वो 7 to 8 डेज में ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इस डीमैट अकाउंट के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आपके पेरेंट्स या आपके गार्डियन के कंट्रोल में होगा। मतलब इस डीमैट अकाउंट में आपका नाम होगा लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ऑपरेट करेंगे आपके पेरेंट्स और गार्डियंस। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप इस डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी भी तरीके से बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर मेरी एज 14 इयर्स की है, मेरी एज 15 इयर्स की है, मेरी एज 18 इयर्स से कम है, लेकिन मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखना है। अगर मैं लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इस माइनर वाले डीमैट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट में शेयर्स दो तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर ये आता है कि आपके जो पेरेंट्स या गार्डियंस है वो शेयर्स जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई आपको गिफ्ट के तौर पर देता है शेयर्स, तब आप उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं उस डीमैट अकाउंट। और तो और यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा था कि सर मेरी एज जो है वो 18 ईयर से कम है लेकिन मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, तो मैं पेरेंट्स के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता हूँ क्या? देखो, आप अपने पेरेंट्स का डीमैट अकाउंट तो ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है और आपके पास पैन कार्ड वगैरह भी नहीं है तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस ये करूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में सीखना है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। और अगर आपकी एज 18 ईयर्स की हो चुकी है तो मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, जैसे कि आपको सीखने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो होप करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके माइनर के डीमैट अकाउंट को लेकर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स रिमेनिंग रह गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।